मुरादाबाद के रहमत नगर वार्ड 51 में कांग्रेस पार्टी से दावेदारी भर रहे फहीम सैफी द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में क्षेत्र के प्रभारी एवं कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में बोलते हुए वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर लोगों को रूबरू कराया। वहीं नगर निगम चुनाव नजदीक है, इसको लेकर वार्ड की समस्याओं को बैठक में उठाया गया। वार्ड 51 में साफ सफाई गंदगी की प्रमुख समस्या है, इसके निस्तारण को लेकर कहा कि हमें ऐसे पार्षद का चयन करना चाहिए जो हमारे बीच रहकर हमारी समस्याओं को अपनी समस्या समझे और क्षेत्र में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही सरकार की जो कार्यकारी योजनाएं हैं इसको लेकर भी जनता को रूबरू करा सके। वहीं जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शमी अहमद द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है, जिसके चलते वे वार्ड में जाकर सर्वे का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड 51 से एडवोकेट मोहम्मद फहीम द्वारा दावेदारी भरी गई है, जिसको लेकर देखा गया है कि जनता के बीच में भी एडवोकेट मोहम्मद फहीम का काफी रुझान है। आज की मीटिंग का उद्देश्य यह है कि वार्ड 51 रहमत नगर में जो हम नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं उसमें जो है प्रत्याशी के लिए हमारा सर्वे चल रहा है, जिसमें आज ये मेरी यहाँ पर दूसरी मैं मीटिंग ले चुका हूँ। और हम इस मीटिंग के अलावा भी हमारे कुछ अपने स्तर से हम वो कर रहे हैं, जिससे कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जो ऐसे जो है कार्यकर्ता हमारे निकल के आएँ जो पार्षद का चुनाव में जनता की सेवा ढंग से कर सकें और जनता का उनको प्यार मिले। आज मीटिंग में आए थे, कैसा लगा आपको? आज की मीटिंग में मैंने देखा कि हमारे एडवोकेट फहीम साहब का अपने क्षेत्र में अच्छा जो है काफ़ी जो है लोगों का इनकी तरफ जो है रुझान है और इनसे लोग मोहब्बत करते हैं। मैंने हाथ उठवाकर भी लोगों का जायज़ा देखा तो मुझे सब में जो है वो जोश दिखाई दिया जो भाई के प्रति उन्होंने जाहिर किया। तो वहीं कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बताया कि नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, जिसको लेकर सर्वे का काम चल रहा है। इसी के चलते आज हमारा वार्ड 51 में आना हुआ, जहां एडवोकेट मोहम्मद फहीम द्वारा बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि वार्ड 51 में काफी समस्याएं हैं, उनका निस्तारण नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जनता एडवोकेट मोहम्मद फहीम के साथ है। नगर निगम के चुनाव हैं, जैसा कि आप तो को तो मालूम ही है, पूरे शहर में 70 वार्डों में यही प्रक्रिया चल रही है। 70 वार्डों में हमारे महानगर के अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा ने प्रभारी बना रखे हैं, जिसमें शमी भाई जो है वार्ड 51 के प्रभारी हैं यहाँ के। तो ये पहले भी और प्रत्याशियों की भी मीटिंग ले चुके हैं और इनकी भी मीटिंग होनी थी, जिसमें थोड़ा सा टाइम खिंच गया। लेकिन बात सबसे बड़ी है, हम इस तलाश में हैं, इस तलाश में हम हर वार्ड में घूम रहे हैं प्रभारी के। ये प्रभारी जी हैं, मैं यहाँ का प्रभारी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी इनकी मित्रता भी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ सेवा दल का, ये बोले यार मेरे साथ चलो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें कांग्रेस को मजबूत करने वाले लोगों को हौसला देना है और जो लोग कांग्रेस को मजबूती से चुनाव लड़ा के जीत के देंगे उन लोगों के टिकट होने चाहिए। इस भीड़ में हम उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो आसानी से चुनाव जीत के कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके। तो वहीं वार्ड 51 रहमत नगर से अपनी दावेदारी भर रहे एडवोकेट मोहम्मद फहीम ने सिटी चैनल संवाददाता आलम अब्बासी को जानकारी देते हुए बताया कि उनके वार्ड में काफी समस्याएं हैं, जिसको लेकर काम नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि हमारे वार्ड में प्रमुख समस्या गंदगी की है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, साफ सफाई का कोई अता पता नहीं है, जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड में आधे से ज्यादा लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, ना ही इसको लेकर कभी उन्हें जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है और मैं पार्षदी जीतता हूं तो अपने वार्ड में सभी मूलभूत सुविधाएं क्षेत्रवासियों के लिए उपलब्ध कराऊंगा। देखिए, मुद्दे वार्ड के अंदर काफी समस्याएं हैं। वार्ड में प्राइमरी स्कूल की समस्या है, टूटी गलियां हैं, टूटी नालियां हैं, जितनी जनकल्याणकारी योजना है उसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सरकारी गल्ले की दुकानों पे बहुत धांधली है, 4.5 किलो अनाज यहाँ मिल रहा है। ये मेरे प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा जो भी समस्याएं क्षेत्र की होंगी उसके लिए पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि प्रभारी जी ने बताया है कि ये सर्वे कर रहे हैं, सर्वे के उद्देश्य से ही यहाँ हमारे वार्ड में एक संगठित मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं वो आए और उन्होंने अपनी दुआओं से भी नवाजा और मेरी हौसला अफजाई की, यही हमारा उद्देश्य था। अच्छा, कई लोग टिकट मांग रहा है कांग्रेस का, क्या कैसा मुकाबला मानते हैं? देखिए, कांग्रेस का टिकट कई लोग मांग रहे हैं, ये तो प्रभारी जी को और जो हमारे जो भी कमेटी में लोग बैठेंगे महानगर अध्यक्ष ही देखेंगे। मुकाबला तो यह है कि कांग्रेस के मैं प्रदेश सचिव भी हूँ सेवा दल यंग ब्रिगेड में, तो जब वो हमारी पार्टी है तो हम भी उसी से उम्मीद रखते हैं कि उसी से लड़ें
और उसी से ही लड़ेंगे। और मेरा तो यही कहना है कि जिसे भी टिकट मिले हम सो अगर हमें मिलता है तो हम लड़ेंगे पूरे जोर व खरोश से, और किसी और को भी अगर मिलता है वो सर्वे में फिट बैठते हैं तो हम उन्हें लड़ाएंगे, लेकिन लड़ाएंगे कांग्रेस को ही। और कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस का ज़माना आ रहा है, कांग्रेस में राहुल गांधी जी हमारे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो 25 किलोमीटर प्रतिदिन वो पैदल चलते हैं, उसी का असर है कि पूरा माहौल बनता जा रहा है कांग्रेस में। और 2024 में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और नगर निकाय चुनाव के अंदर भी मेयर से लेकर वार्ड मेंबर से लेकर नगर पंचायत तक कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि देखिए चुनाव 5 साल में एक बार आता है और ये बहुत सोच समझ के वोट सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ होती है, एक आपका अधिकार होता है, उसे किसी भी जाति बिरादरी या किसी मजहब में डाल के ना दें। वोट उसे दें जो आपको लगता हो कि कुछ कर पाएगा। जो आदमी एक लेटर हेड एक अगर एप्लीकेशन लिखवाने बैठ जाओ वो एप्लीकेशन ना भी लिख पाए और उसे आप वोट दे रहे हो, जब वो खुद की एप्लीकेशन नहीं लिख सकता वो आपकी क्या लिखेगा। जो अधिकारी से आँख में आँख मिला के बात कर ले, उनकी बातों का सही जवाब दे दे, ऐसा पार्षद होना चाहिए। और मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपने आप को इस रंग में ढाला है कि मुझे उम्मीद है कि मैं लोगों की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगा, उनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाऊंगा और सबको साथ लेके चलूंगा। किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को मैं वार्ड के लेवल से हल करने की क्षमता रखता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। बैठक में हाजी शाकिर, डॉक्टर खलील शमशेर खान, अनुराग शर्मा, आलम जान मोहम्मद उर्फ भूरे भाई, बिलाल, शन्नू, शाकिर, गुड्डू, कासिम आदि लोग मौजूद थे।